नमस्ते दीदी, मेरा नाम आंजनेलू है। मैं अदकल मंडल महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मुझे ये पता चला है कि आप अपनी फसल के लिए पंचगव्य तैयार कर रही हैं। क्या आप पंचगव्य बनाने का तरीका मुझे सिखाएंगी? नमस्ते भैया, मेरा नाम रामेश्वर अम्मा है और मैं निजालपुर गांव की निवासी हूँ। मैं ज़रूर से आपको पंचगव्य तैयार करना सिखाऊंगी। दीदी, पर हम पंचगव्य क्यों तैयार करते हैं? भैया, वो इसलिए क्योंकि पंचगव्य पौधे के पोषक तत्वों को बढ़ाता है और साथ ही साथ बीज के वजन में भी वृद्धि करता है। दीदी, पंचगव्य को बनाने में किन किन सामग्री की जरूरत पड़ती है? भैया, पंचगव्य में गाय का मूत्र और गोबर, घी, दही, दूध, केला, नारियल का पानी, ताड़ी, काला गुड़ और पानी का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा दीदी, अब पंचगव्य कैसे बनाते हैं ये भी बता दीजिए। देखिए भैया, सबसे पहले 5 किलो गाय का गोबर लीजिए और उसे 1/2 किलो गाय के घी के साथ मिलाइए। अच्छा दीदी, 5 किलो गाय का गोबर और उसमें 1/2 किलो घी। अच्छा दीदी, तो अब इसको अच्छे से मिला लिया, अब इस मिक्सचर के साथ क्या करेंगे? भैया, इस मिक्सचर को बर्तन में डाल के 4 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे कि उसमें खट्टापन आ जाता है, यानी कि खमीर आ जाता है। बर्तन में डालने के बाद साथ ही साथ इसमें ये सावधानी भी बरती जाती है कि इसे कपड़े से ढक दिया जाता है ताकि उसमें चींटी या मक्खी ना घुस पाए। ठीक है दीदी, इसको 4 दिन के लिए छोड़ देना है ताकि इसमें खट्टापन आ जाए, यानी कि खमीर आ जाए, ये तो हम समझ गए। और इसको कपड़ा से ढका भी रहना है। लेकिन दीदी, क्या 4 दिन तक इसको ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं नहीं भैया, इसे हमें 4 दिन तक रोज 3 बार मिलाते रहना होगा। अच्छा दीदी, अब तो 4 दिन बीत गया, अब हम इसके साथ क्या करने वाले हैं? भैया, अब इस मिक्सचर को हम एक प्लास्टिक के ड्रम में डाल लेंगे। अब हम 3 लीटर गौमूत्र लेंगे, 3 लीटर नारियल पानी, 1 किलो काला गुड़, 2 लीटर गाय का दूध, 2 किलो दही, 12 पके हुए केले और 3 लीटर पानी।
सभी सामग्री को प्लास्टिक ड्रम में डाल लें और उसे अच्छे से मिला लें और उसे मिलाने के बाद लगभग 15 दिन के लिए छोड़ दें। अच्छा दीदी, ये तो बताइए, क्या ड्रम में रखे इस मिश्रण को भी हमें रोज मिलाना होगा? हाँ भैया, इस मिश्रण को तो लगभग हम 15 दिन के लिए रखेंगे, पर इसे भी हमें 4 दिन तक रोज 3 बार मिलाना होगा। इसको भी अच्छे से कपड़े से ढक दिया जाएगा ताकि चींटी या मक्खी इसमें ना घुस पाए। दीदी, अब तो 15 दिन भी बीत गए, अब हम इस मिश्रण का क्या करने वाले हैं? हाँ भैया, अब देखिए, इस मिश्रण को एक पतला कपड़ा लेकर अच्छे से छान लें। अगर मिक्सचर गाढ़ा हो तो उसमें थोड़ा पानी डाल लें और पतला करने के बाद उसे छानें। ठीक है दीदी, लेकिन अब छानने के बाद खेत में इसका इस्तेमाल किस प्रकार किया जाएगा? भैया, लगभग 2 से 3 लीटर एक एकड़ खेत पे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दीदी, ये तो बताइए कि किस तरह की फसल पर पंचगव्य का इस्तेमाल कर सकते हैं? भैया, इसे आप हर तरह की फसल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है दीदी कि इसे हर तरह के फसल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा दीदी, पंचगव्य इस्तेमाल करने से हमें क्या क्या फायदा मिलेगा? देखिए भैया, पंचगव्य का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये फसल के तेजी से बढ़ने में मदद करता है। लेकिन दीदी, ये तो जरा बताइए कि जब अगर हम पंचगव्य का इस्तेमाल करेंगे तो इससे फसल उगाने में होने वाले खर्च में भी कमी आएगी क्या? हाँ भैया, फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने में जितना दाम लगता था, अब इन सब चीजों के इस्तेमाल से वह कम हो गया है। इसको हम 6 महीने तक बिना किसी नुकसान के इस्तेमाल में ला सकते हैं। दीदी, पंचगव्य बनाने का तरीका बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया।